क्या भाई साहब, अकेले अकेले गला गीला कर रहे हो? चखना लीजिए। चखना नहीं खाते क्या दिल्ली वाले? मैं सोच रहा था कि आप संगीत के नाच गाने में क्यों नहीं आए। मुझे क्या पता कि यहाँ महफिल जमी हुई है। दस देवदास की तरह दर्द तो बहुत होता होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप पीजिए, आपको जरूरत है। दिल तो आपका जल रहा है ना। वैसे देवदास को आपसे ज्यादा दर्द हुआ होगा। और वो बहुत प्यार करती थी देवदास से। आपकी वो क्या नाम है, प्याली? प्याली की तरह नहीं, नहीं। तभी तो आपके होते हुए भैया से शादी कर रही। नहीं ठीक है, आप सारा गम शराब में गलत कर जाओ। वैसे शराब पीने से सिर्फ गम गलत ही होगा, सही करने के लिए तो कुछ बना ही नहीं। सही तो तब होता है जब माशूका प्यार करती है, वरना पीते रहो आंसू बहाते रहो। मुझे एक बात समझ ही नहीं आती। अच्छी भली सूरत बॉडी बना रखी है, आपको भैया बना लिया, मेरे भैया को सैया बना लिया। चुप करेगा तू? मैं तो बकवास पेड़ खड़े खड़े यहाँ पे। तू जानता है मेरा प्याली का क्या निकल। तेरे से नहीं सुनते मुझे प्यार भरे नगमे, समझा? तो दफा ले यहाँ से। सब लोगों ने दिमाग खराब करके रखा है। एक तरफ ये उत्तरा देवी, दूसरी तरफ बाकी लोगों की बेवकूफियां। तू यहां क्या कर रहा है? इनाम लेने आया हूं। इनाम? मैं बड़ी गजबबंदी है तू। इतनी बड़ी मदद की मैंने तेरी, कुछ तो इनाम बनता है मेरा। तूने पी रखी है? कौन सी नई बात है? आज संगीत से पहले जो भी हुआ उसके बारे में प्याली से ही पता लगाना होगा। देख कर्मा, फालतू बात ना कर। कोई आ जाएगा, निकल यहां से। आ गया तो आने दे, लेकिन आज मैं एक सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगा। कैसा सवाल? कितना प्यार करती मुझसे। ये कैसा सवाल हुआ? जान है तू मेरी। चल ज्योति, अगर मैं तेरी जान हूं ना तो साबित कर कि तू मुझसे प्यार करती है, उस सुयश से नहीं। से ही प्यार करती हूँ मेरे बिलौटे। सुयश के साथ शादी सगाई सब नाटक, जानता है ना तू? हाँ, मेरी कसम। तेरी कसम? प्याली, निकल यहां से, और खबरदार अगर दोबारा मेरे कमरे में आया। निकल। धमकी दे रही है? मैं कोरी धमकी नहीं देती। तो मेरा काम बिगाड़ा ना तो जान ले लूंगी तेरी। जान तो मेरी पहले से ही तेरे पास है मेरी बिनाती, लेकिन एक बात याद रखना, तू नाटक कर रही। और अगर सुयश के लिए तेरी आंखों में मुझे थोड़ा सा भी प्यार दिखाना तो नहीं हिला दूंगा। कुछ उत्तरा देवी की वजह से हो रहा है।
तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बता दीजिए ना सुहेश, ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से दर्द दे भी रहे हैं और सह भी रहे हैं। मैं अपना दर्द तुम्हारे साथ नहीं बांट सकता फाल्गुनी। तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी याद में तिल-तिल मरने नहीं दे सकता। दिल में जो है वो कह के तो देखिए, हमने आज तक हर मुश्किल का सामना साथ साथ किया है, आगे भी करेंगे। हमारा साथ इतना ही लिखा था फाल्गुनी, तुम्हें अकेले जीने की आदत डालनी ही होगी। यही तो चाहिए था मुझे, मेरी बिट्टू की लंबी सी छप्पी जो थोड़ी देर के लिए ही सही, मेरी सारी परेशानियों को मुझसे दूर कर दे। काश मैं आपकी सारी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर पाती। भाभी माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बस मुस्कुरा दीजिए। अब हमें बताइए कि आप क्या सोच रही थी। उस आदमी का मुझे फोन आया और उसने कहा कि वो सुहेश के बदले बर्ताव के बारे में मुझे बताना चाहता है, लेकिन फिर उसका फोन आया और उसने कहा ये कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब वो आदमी आया ही नहीं। फाल्गुनी जी। जी कहिए। शायद आया था, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती बिट्टू, लेकिन जो आदमी मुझ तक पहुंचा था, जो मुझे कुछ बताना चाहता था, जिसे कर्मा आकर अपना दोस्त बताकर चला गया, हो ना हो बिट्टू वो वही आदमी था जो मुझे सच बताना चाहता था। मतलब कर्मा ने उसे आप तक नहीं पहुंचने दिया। हाँ, ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई चीज आकर फिसल गई हो, पकड़ में नहीं आई। सुयश का इतनी देर तक दरवाजा ना खोलना और प्याली का बहाना बना देना। भाभी माँ, मैं अभी कर्मा के कमरे में गया था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो सच बोल दे, कर्मा कुछ बोलते बोलते रुक गया। मुझे नहीं लगता कि प्याली से कर्मा का प्यार एक तरफा है। चीची माँ, समय बहुत कम है और हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। अब प्याली से पता लगवाने गई थी ना। हाँ, पर वो अपने कमरे में ही नहीं थी। इस समय कहाँ गई होगी।